हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रेडीमेड गुलाब जामुन के पैकेट से एक बार में परफेक्ट और बिना गलती के गुलाब जामुन कैसे तैयार करते हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हों, और हमेशा गुलाब जामुन में गुठलियाँ टाइप हो जाता है बीच में, ये सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ले लिया है रेडीमेड पैकेट गुलाब जामुन का। ये अशोका वाला पैकेट हमने लिया है, बहुत सारे नाम से आते हैं, तो ये अशोका वाला हम यूज़ करेंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार होता है इससे। इसमें सभी विधि लिखी हुई है कि कैसे बनाकर तैयार करना है, सभी मेज़र दिया हुआ है इसमें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस अशोका के पैकेट से हम बढ़िया गुलाब जामुन कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हम इसके पैकेट को कट कर लेते हैं पूरा। तो इसे हमने पूरा कट कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ऐसे हम एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। तो हमने इसको एक दूसरे बर्तन में ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो पहले जो गुठलियाँ हैं वो चम्मच से हमें पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमने एक थाली लिया है और आटा वाली छन्नी लिए हैं। तो सबसे पहले इस पाउडर को हम छानेंगे। हम छान कर ही बनाते, आप चाहे तो बिना छाने भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा डाल लेते हैं, इसको अच्छे से छान लेते हैं ताकि जो ऊपर दाने टाइप हैं वो ना रहे और पाउडर हमारा अच्छे से निकल जाए। और जो बाकी बचे हैं उन्हें भी हम छान लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे आपको, एक बार में परफेक्ट बनेगा गुलाब जामुन। कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, आप ये गुलाब जामुन बनाइए। सभी को हमने छान लिया है। ये देखिए जो दाना टाइप है वो अलग ऊपर आ गया है छन्नी में, तो उसे हम हटा देंगे। तो हमने लिया है ये नॉर्मल ठंडा दूध, तो ये आधा कटोरा हमने लिया है। तो दूध से ही हम इसको गूथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हमें मिक्स करना है पूरा आटा को, पूरा गूथना नहीं है, मिक्स करना है केवल। तो देखिए चम्मच से या फिर हाथों से भी, जैसे भी हो आपको। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम गूथेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो जो है हमारा डो गीला हो जाएगा। तो हम इसको हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है पूरा, और बढ़िया चिकना डो, सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। हार्ड नहीं होना चाहिए, बढ़िया सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो ये चाशनी हम बनाने के लिए हमने 1 किलो चीनी लिया है पूरा। एक पैकेट गुलाब जामुन के लिए 1 किलो चीनी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कढ़ाई हमने रख दिया है, गैस अभी ऑन नहीं किया है। तो पहले हम चीनी और पानी डाल देंगे, उसके बाद ही गैस ऑन करेंगे। तो ये पूरा चीनी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए चीनी हमने डाल दिया है। तो जितना चीनी हम डाल रहे उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे, परफेक्ट मेज़रमेंट रहेगा। 1 किलो चीनी, तो 1 लीटर पानी इसमें हम डाल दिए हैं। एक और खास ट्रिक है इसमें, अगर अंदाज़ा ना पड़े तब हमेशा जैसे चीनी डूब गया है तो एक उंगली के बराबर देख सकते हैं इतना चीनी के ऊपर पानी होना चाहिए। इस ट्रिक से आप जो है चाशनी परफेक्ट बना सकते हैं। तब इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच। आप चाहे तो खड़ा इलायची भी खोल कर डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गैस की फ्लेम अब हमने ऑन कर दिया है, चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें चीनी को तार इतना नहीं पकाना है, केवल इसको चिपचिपा हमें करना है। तो ये देखिए चाशनी जो है हमारी पक कर अच्छे से तैयार हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं चाशनी पका है, चिपचिपा हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए बढ़िया सा चिपचिपा हो चुका है, कोई भी तार नहीं है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। तो हमें इतना ही
चाशनी रखना है। तो गैस अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। तो चाशनी बढ़िया तैयार हो गया है। तब हम जो गुलाब जामुन का डोर लगा के रखे हैं, 10 से 15 मिनट हो चुका है। आप 10 मिनट भी रख सकते हैं, पर 10 मिनट हो जाए तब इसको एक बार और अच्छे से मुलायम कर लेते हैं। अगर आपके हाथों में चिपके तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं। इतनी आटा हमने परफेक्ट डो लगाया है तो हाथों में ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आटा का डो ले लिए तो चिकना करके एक हमने चम्मच लिया है ताकि सभी गुलाब जामुन जो है एक साइज़ के बनकर तैयार हो। तो इसी तरीके का चम्मच आप भी ले लेंगे। तो थोड़े से बड़े साइज़ के हम गुलाब जामुन बना रहे हैं तो ये बड़ा वाला चम्मच हमने लिया है। तो ये देखिए एक साइज़ के सभी गुलाब जामुन बनेंगे, ना छोटे ना ही बड़े। तो ये देखिए एक बॉल हमारा इस साइज़ का ले लिया है हमने चम्मच के साइज़ का। देख सकते हैं जैसे हम ले रहे हैं उसी तरीके से आप ले सकते हैं। ऐसे जल्दी भी बनता है और सभी साइज एक जैसा भी रहता है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है आटा। तो ये देखिए 4 से 5 हमने बना लिया है। तो उसको बढ़िया चिकना करके ऐसे हथेलियों से दबाते हुए हमें इसको गोल कर लेना है पूरा। आप छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक गुलाब जामुन हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो उसे प्लेट में रख देते हैं। इस तरीके से थोड़ी सी आसानी होती है गुलाब जामुन बनाने के लिए और बढ़िया बन भी जाता है। सभी बातें जो है पैकेट पर, रसगुल्ले के पैकेट पर जो है लिखी नहीं होती हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये 5 हमने बना लिए, तो सभी बनाकर हमने तैयार कर लिया है गुलाब जामुन, ये देखिए। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो ये दोस्तों चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी क्योंकि गोला करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसको हम दोबारा गर्म कर रहे हैं। और चाशनी जो है हमारा थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। तो ये देखिए हम हाथ डाल रहे हैं तो छूने पर ये थोड़ा सा गर्म है, क्योंकि गर्म ही चाशनी में, ये जो रेडीमेड पैकेट का जब आप गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसको गर्म चाशनी में ही थोड़ा डाल दें, तभी जो है अंदर तक अच्छे से जाएगा और उसमें गुठलियों की शिकायत दूर हो जाती है। तो ये देखिए तेल हमारा मीडियम पर गर्म था, हाई गर्म नहीं होना चाहिए। और एक हम चेक कर रहे हैं ताकि ये खुल तो नहीं रहा है, तेल में जाकर ये फट तो नहीं रहा है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा ये गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हो गया। देख सकते हैं तेल में डालते ही बिल्कुल भी फैला नहीं है ना ही फटा है। तो इसे हम तुरंत चाशनी में डाल देंगे। जब भी आप रेडीमेड का बनाएं तो चाशनी गर्म हो और तुरंत ही फ्राई करने पर उसको आप चाशनी में डाल दें, तभी जो है हमारा ये रेडीमेड पैकेट वाला जो गुलाब जामुन है अच्छे से बनकर तैयार होता है। अगर आप इसको बाहर प्लेट में रखेंगे फिर चाशनी में डालेंगे तब तक हमारी चाशनी ठंडी होती जाती है और इस गुलाब जामुन के अंदर जो है गुठलियाँ बन जाती हैं, केवल ऊपर ऊपर हिस्से में ही चाशनी एब्जॉर्ब होगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तो इतना हमने चाशनी में डाल दिया है। जब भी आप बॉल से फ्राई करते हुए डालते जाएँ, अगर चाशनी ठंडी हो जा रही है तो आप गर्म कर सकते हैं दोबारा, फिर बॉल्स को तुरंत फ्राई करें और चाशनी में डाल दिए। तो ये देखिए सभी जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं एक टोटल 21 हमारे गुलाब जामुन जो है बनकर तैयार हुए हैं और एक जैसा कलर आया है। देख सकते हैं आप हल्का कलर भी रख सकते हैं फ्राई करते समय। और चाशनी पूरा डूब गया है तो इसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं ताकि एक बराबर पर आ जाए, देख सकते हैं। तो इसे अब हमें प्लेट से ढक देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो ये देखिए दोस्तों 2 से 3 घंटे बाद हम आपको दिखा रहे हैं हमारे गुलाब जामुन साइज में, देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए इसका मतलब है ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम आपको कट करके भी दिखा देते हैं कि परफेक्ट बना है कि नहीं, इसके अंदर कहीं गुठलियाँ टाइप तो नहीं बन गया है। तो इसने जैसा जैसा हमने आपको बताया है एकदम उसी तरीके से आप बनाएंगे। अब पूरा वीडियो देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपको ये कट करके दिखा दिया है, देख सकते हैं आप लोग ये बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडीमेड पैकेट से आप जो है एक बार में ही गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। तो
इसी तरीके से आप एक बार में परफेक्ट गुलाब जामुन बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। कोई भी नहीं कह सकता कि आपने ये दुकान से ख़रीद कर लाया है या फिर घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं। तो ये देखिए, हम आपको दिखा भी देते हैं, लग रहे हैं ना एकदम दुकान जैसे। आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो बहुत लोग जो है स्किप करके आगे बढ़ा कर देखते हैं, फिर कहेंगे कि गुलाब जामुन अच्छे से बने नहीं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने हैं। रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गारंटी है दोस्तों, बिना गलती के एक बार में आपके भी गुलाब जामुन परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।